अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीउद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक तिरुमला चैनल। हमारे मुल्क के दिल्ली में 21 साल सबिया सैफी, जो कि महकमे पुलिस में कांस्टेबल के अहदे पर फाइज थी, गुज़िश्ता चंद दिन कबल कुछ दरिंदों ने इस लड़की का बेदर्दी के साथ रेप करते हुए कत्ल कर दिया था। इस वाक़े को लेकर आज मेदक के बस डिपो से लेकर टाउन के रामदास चौराहे तक ज़बरदस्त रैली मुसलमानों की जानिब से निकाली गई। इस रैली में मौलाना मोहम्मद जावेद अली हुसामी, सदर मेदक मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जनाब सैयद इशरत अली सफ़ी, मकामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर और इसी तरीके से दीगर सभी मुसलमानों ने इस वाकये पर अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद जावेद अली हुसामी ने जो लोग रैली में शरीक नहीं हुए हैं उन पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि सबिया सैफी के साथ इंसाफ का मामला किया जाए और जल्द अज जल्द इस वाकये में मुलविस खातियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद शरीक रही। మిత్రులారా, మెదక్ టౌన్ లో మరి ఇంత పెద్ద నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచించినటువంటి విధానాలకు పెట్టుబాటిదారి వ్యవస్థ అగ్ర नौजवान भाइयों, आप तमाम के जज्बात को हम सलाम करते हैं। सबसे पहले अफसोस हम मेदक के उन तमाम लोगों से जो इस रैली में शरीक नहीं हुए उनकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे दुनिया से और ख़ासकर हिंदुस्तान से जुल्म ख़त्म होने को नहीं है, जुल्म इजाफा होते जा रहा है। जैसे आपको याद है चंद साल पहले मेहनत हमको इस हिंदुस्तान की बका और इसके सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए हम सब कोशिश करें। अल्लाह हम सब के जमा होने को, आप सब ने बड़ा कीमती वक्त लेकर यहाँ हाजिर हुए, सब के जमा होने को अल्लाह का कबूल फरमाए और हमारी कोशिशों से हिंदुस्तान से जुल्म का खात्मा अल्लाह पाक फरमाए। नौजवानों की तरफ से मेदक में राबिया सैफी के जो हादसे पर जो कत्ल हुआ है उस पर आज सारे मेदक के मुसलमान नौजवान जो जज्बे के तहत बिना मजहब व मिल्लत के आज ये जुलूस निकाला है, मैं अपने हम सब मिलके अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको चाहिए कि इस पे आवाज उठाए, क्योंकि एक नौजवान बच्ची 21 साल की जिसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, आज उनका हाल ये है कि रात भर सो नहीं सकते, ऊपर से इल्जाम ये लगा रहे हैं कि उसकी लड़की ने शादी करके उसके शौहर ने उसका कत्ल किया है, लिहाजा उसको गैंग रेप करके आज उसको उसके ऐसे मुकाम को काटा गया है जो माँ बाप क्या कोई इंसानियत रखने वाला भी वो देख नहीं सकता। आज उसके साथ जो हादसा हुआ है कल किसी के साथ ना हो, लिहाजा और जो हैवानियत का खेल खेला जा रहा है, अल्लाह हुकूमत को होश के नाखून लेने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह यहाँ पर जितने नौजवान जमा हुए अल्लाह उनकी जवानी को कबूल फरमाइए। अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग प्रेस वाले पुलिस वाले जितना भी जिनका भी